है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8 and 638 and 606 लीविंग रिमाइंडर 6। देखिए जब भी लीविंग रिमाइंडर बात करेगा ना, तो जितना नंबर दिया गया रहेगा इन नंबर्स को ले जा करके इसमें से और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा, क्योंकि ईच की बात कहा इसलिए दोनों में से ही करेंगे। सबसे पहला हम आपको बताए हैं कि आपको क्या करना है, दोनों में से ही माइनस करना है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है 438 है ना, उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 432। ठीक, और 600 606 उसमें से जब 6 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600। ठीक, अब आपको दो नंबर मिले ना, इन्हीं दोनों नंबर का जब आप HCF निकाल देंगे, ठीक है, जैसे HCF भी आपको निकाल करके हम दिखा देते हैं कि है 600 डिवाइड करना है किससे, 432 से। ठीक, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 432। जब सब्ट्रैक्ट किए तो 10 से 2 जाएगा कितना 8, ठीक है, यहां हो गया कितना 9 से 3 जाएगा 6, और यहां पे कैरी चला गया था तो 5 बच 1 यानी 14 जाएगा 1 यानी 168। अब आप यहां पे लेते हैं ये 432 कितनी बार में जाएगा, ये जी दो बार में, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 6 12 13 का 3 कैरी 1 और 2 1 2 1 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 12 6 जाएगा 6, उसके बाद से यहां हो जाएगा 2, 12 3 जाएगा यहां पे क्रॉस क्रॉस, फिर यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 168। ठीक, अब इसको आप लेके जाइए कितनी बार में, इसको आप लेके जा सकते हैं एक बार में, जो कि हो जाएगा 96। अब से 6 जाएगा कितना 2 हो जाएगा और 16 से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बाद से आगे इसको बढ़ाइए, ये हो जाएगा 96, वन बार में आप लेके जा सकते हैं, ये हो जाएगा 72। 6 से 2 जाएगा 4 और 9 से 7 जाएगा 2, और जब ये 72 से आप जब डिवाइड 72 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा और 72 कंप्लीटली कट गया, यानी यहां आपका HCF कितना आ रहा है गाइस, HCF आपको मिल रहा है 24, और ये 24 ही आपका लास्ट आंसर होगा। ठीक है, स्टेप आप देख लीजिए, स्टेप सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप फ्रॉम ईच नंबर दैट इज 68 and 606, इन दोनों में से सबसे पहले आप माइनस करेंगे। ठीक, फिर जो आंसर आएगा, एक आएगा 432 और एक आएगा 600, इन दोनों का ही आप HCF निकालेंगे, जो HCF आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा 24। ठीक, क्यों 6 माइनस करेंगे, अगर इसके पीछे आप रीजन जानना चाहते हैं तो वो ये है कि भाई वहां पे कह रहा था कि ये दोनों ही के दोनों 6 रिमाइंडर दे रहे हैं, और एक जब भी हम डिवाइड करेंगे तो उसमें से हमको रिमाइंडर हटाएंगे तभी एक कंप्लीट डिवीजन हमको मिलेगा, नहीं तो हमेशा रिमाइंडर बच के आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए 400 606 में से हम 606 में से हम 6 यहां पे क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, माइनस किए हैं, जो कि क्वेश्चन में ही कहा गया था कि वो एज अ रिमाइंडर 6 दिया गया था, तो निकाल दिया हमने रिमाइंडर को, निकाल दिया जो नंबर आया उसको डिवाइड करके HCF निकाल दिए। तो बहुत सिंपल प्रोसेस था ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का था, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ।